वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ट्राई के नए रूल एनटीओ 2.0 को ही लेकर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। साथ ही दोस्तों बता दूँ, जो डिजिटल हेडन का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। डिजिटल हेडन का कोर्स जो है अब 2199 रुपये में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी कोर्स मिल जाएगी जिसमें डिजिटल हेडन के ईच एंड एवरी टॉपिक्स के पर्टिकुलर वीडियोस देखने और सुनने को मिलेगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है दोस्तों एनटीओ 2.0, क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूँ या मेरे पास मैसेजेस भर भर के आते हैं कि ट्राई के नया रूल एनटीओ 2.0 आखिर कब लागू होगा। लोगों का कहना होता है कि आप एमएसओ हो तो डेट्स वाई आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती होगी कि एनटीओ 2.0 लागू कब होगा। तो दोस्तों मैं उसी को लेकर आज के वीडियो में कुछ जो चीज़ें हैं, जो तथ्य है, मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों बता दूं, एनटीओ 2.0 लागू करने के लिए जो ट्राई ने रूल बनाया था उस रूल को ब्रॉडकास्टरों ने चैलेंज किया है, और चैलेंज करने के बाद अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है, केरला हाई कोर्ट में केस चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में है, इन सभी हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं। लेकिन अभी जो कि सारे जो मुद्दे हैं अभी बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा हैंडल किया जा रहा है, और वहाँ पे जो मुद्दे हैं अभी तक वहाँ से ट्राई के जो नया रूल है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोर्ट के तरफ से लास्ट टाइम ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि आप फोर्सफुली रूल को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक फुली जजमेंट नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेकेशन शुरू हो गया, उसके बाद लगातार 1 से 1.5 महीने तक पोस्टपोन होते गया। अब आ गया है मिड नवंबर बोल सकते हैं, नवंबर भी अब ख़त्म ही होने के कगार पे है, और दिसंबर अगला जो मंथ है जो साल का लास्ट मंथ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाएगा जो ट्राई का नया रूल एनटीओ 2.0 था, जनवरी 1 2020 को अनाउंस किया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार डेट बढ़ता गया। कुछ कोविड जिम्मेदार रहा, कुछ ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा जी का प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देना, उसके बाद नए चेयरमैन आना ट्राई के, उसके बाद इन सभी मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें अटक गई। अब मुद्दा ये है दोस्तों कि आखिर ट्राई के नया रूल एनटीओ 2.0 लागू कब होगा। अभी वेकेशन ख़त्म हुआ है, इसके बाद अगर ट्राई के नया रूल एनटीओ 2.0 को लागू करने के लिए लगभग 1 से 2 महीने का समय लग सकता है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि अगर ट्राई के नया रूल एनटीओ 2.0 पे अगर लगातार सुनवाई होगा कोर्ट में तो ही जजमेंट आने की उम्मीद है। अगर एक बार सुनवाई होता है तो 1 से 2 वीक का नेक्स्ट हियरिंग डेट दिया जाता है, उस डेट में फिर हियरिंग होता है, फिर कोई नया डेट दे दिया जाता है। लगातार 2 से 3 सुनवाई होने के बाद ही ट्राई के नया रूल एनटीओ 2.0 के बाद कोई जजमेंट आ सकता है। तो नवंबर कुल मिलाकर ख़त्म ही है, दिसंबर शुरुआत होगा। अगर कोर्ट ने इस मुद्दों को सुना, अगर कोई जजमेंट आता भी है तो ट्राई के नया रूल के जजमेंट आने के बाद जो भी कोर्ट जजमेंट देगा, या तो ब्रॉडकास्टर अगर अच्छे से मान लेता है तो वेल एंड गुड, अगर अच्छे से मान लेता है तो ब्रॉडकास्टर वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग नए बुकेज, नए अलाकाटे प्राइस लॉन्च करेगा। उस चीज़ को लॉन्च करने में लगभग 1 से 2 वीक का कम से कम ब्रॉडकास्टर समय लगाएंगे। उसके बाद वो जो सारे पैकेजेस जो हैं ट्राई ब्रॉडकास्टर जो है सभी DPO के साथ, सभी MSO के साथ शेयर करेगा। फिर MSO उसके अकॉर्डिंग अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने SMS में, अपने कैश में, उसके अकॉर्डिंग बुके, उसके अकॉर्डिंग अलाकाटे सारा कुछ डिज़ाइन करेगा। तो इन सभी काम को करने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्राई के नया रूल एनटीओ 2.0 एक ही वर्ड में कहूँ तो 2020 में तो लागू होना नामुमकिन है। अगर जजमेंट आ भी जाता है तो 2021 के जनवरी या फरवरी तक में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर आपको याद होगा 2018 में सबसे पहले एनटीओ 1.0 जब आया था तो वहाँ पे जो भी रूल्स थे या अलाकाटे प्राइस, बुक के प्राइस आते थे, फिर कभी घटाया जाता था, कभी बढ़ाया जाता था, पूरे कुछ इम्प्लीमेंट करते करते अप्रैल तक सारे चीज़ें चले गया था, जबकि जनवरी में ही लागू होना था लेकिन खींचते खींचते अप्रैल तक चला गया था। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए, जैसे एनटीओ 2.0 के अकॉर्डिंग अगर बुके या लकाटे सब कुछ आ जाता है, फिर MSO इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो बड़े MSO अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद ट्राई वहाँ पे समय भी देता है, 1 से 2 महीने के अंदर कर लेना होगा, आखिरी डेट ये है, डेडलाइन फिर इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इन सभी को देखते हुए जो पर्सनल एक्सपीरियंस है या साथी जो MSO में काम करने के बाद, और साथ ही हम लोगों ने भी जो देखा था लास्ट टाइम जिस तरीके से सिनारियो क्रिएट हुए थे, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने एनटीओ 2.0 लागू होने में आराम से लग सकता है। तो जिस तरीके से, जिस वजह से एनटीओ के जो इंतज़ार में जो लोग बैठे हैं कि एनटीओ 2.0 आएगा तो अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो मैं एक ही वर्ड में कहना चाहूँगा, आप होप छोड़ दीजिए।
जिस तरीके से चीज़ें चल रहा है उसी को फिलहाल टैकल करिए, कस्टमर को सेव करिए, ताकि आगे आने वाले NTO 2.0 जब लागू होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि चैनल सस्ते होंगे या महंगे। अगर कोर्ट जो है ट्राई के हक में फैसला देगा तो ब्रॉडकास्टरों के पास पूरी आज़ादी होगी को जो इंपॉर्टेंट और मेन चैनल्स हैं उन चैनलों को भूखे में ना रख के बाहर रखें। और मैं बहुत ही आराम से कह सकता हूँ कि जितने भी स्टार, कलर, सोनी जी, डिज्नी डिस्कवरी के जो चैनल्स हैं, इंपॉर्टेंट चैनल जो हैं, उन्हीं चैनलों को कस्टमर देखना पसंद करते हैं, बाकी के सप्लीमेंट चैनल कोई भी ज़्यादा लेना पसंद नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर के पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो उन पैसों उन चैनलों के प्राइस कम करके बुके बनाएं, या तो उन चैनलों को बुके से बाहर रखें ताकि अलाकाटे में सब्सक्राइब करने पे मजबूर कर दे DPO और सब्सक्राइबर को। अगर ऐसा कुछ हुआ तो महंगा होगा, अगर ब्रॉडकास्टरों ने चैनल का प्राइस कम करके बुके बनाया तो फिर सस्ता हो सकता है। इसमें बिल्कुल 50-50 चांसेज है कि प्राइस कम होगा या बढ़ेगा, ये तभी तय हो पाएगा जब NTO पूरी तरीके से लागू होगा। तो ये कुछ मुद्दे थे दोस्तों जो आप लोगों का लगातार कमेंट लाइव सेशन में भी ऐसे भी नॉर्मली आते रहता है कि NTO 2.0 कब से लागू होगा, क्या सस्ता होगा, महंगा होगा, इतने सारे बातें हैं। अगर सभी पक्ष में अगर आता है, पहले ट्राई जो के जो पक्ष में अगर फैसला आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर ब्रॉडकास्टर इंप्लीमेंट करते हैं तो 100% आपका चांसेज है कि आपका प्राइस कमेगा। अगर ब्रॉडकास्टर वहाँ पे कुछ और रूल इंप्लीमेंट करता है, ट्राई के अकॉर्डिंग ही है, ट्राई ये कभी नहीं कह सकता कि ब्रॉडकास्टर का जो इंपॉर्टेंट जो हाई TRP वाले चैनल है उसे बुके में रखना ही, ऐसा रूल नहीं आएगा। उनके पूरी आज़ादी होगी कौन से चैनल का कितना प्राइस रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टरों के हक में भी कुछ चीज़ें हैं। तो जब तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंट ना हो जाए तब तक कुछ भी कह पाना काफ़ी मुश्किल है। होप सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स लॉट।